जब अन्ना जी का अंचल दिल्ली में शुरू था तो आप उस अंचल में शामिल हुए तो आप वहां आकर हीरो बने थे, तो विलन से हीरो कैसे बने? पहली बात तो मैं हमेशा से हीरो था। मैंने कभी अपने आप को विलन नहीं समझा। मैंने बहुत कम रोल विलन किए हैं जो बहुत पॉपुलर हुए। मैंने भ्रष्ट नेता का भी रोल किया है जिसको अंत में हीरो से मार पड़ती है, थप्पड़ पड़ते हैं, घूसे पड़ते हैं। तो मैं अभिनेता होने के अलावा, फिल्मों में काम करने के अलावा, भारत का एक नागरिक भी हूं जो देश के बारे में सोचता है, देश में क्या हो रहा है उसके बारे में सोचता है, जागरूकता रखता हूं। तो जब अन्ना साहब का अनशन जंतर मंतर में हुआ तो मैं पूना में ही शूटिंग कर रहा था और मैंने ये सब सुना, देखा टीवी पर। तो मेरे अंदर के नागरिक ने, मेरे अंदर के इंसान ने मुझे आवाज दी कि अगर तुम जागरूकता से जीना चाहते हो, अगर तुम एक स्वतंत्र भारतीय की तरह जीना चाहते हो तो इस आंदोलन में शामिल होना तुम्हारा फर्ज है। और वहां जाकर मैंने अपने दिल की बात कही। मैं हीरो नहीं, देश का एक सच्चा नागरिक बना, ये मेरा